बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं जूनियर सेक्टर नईम इलेक्ट्रिकल, अपने सब्जेक्ट 353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वीडियो लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है 4 पॉइंट्स डीसी स्टार्टर। हम स्टार्टर्स की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरू में सिंपल स्टार्टर, उसके बाद 3 पॉइंट स्टार्टर, और आज हम पढ़ेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, हम ये तफसील से पढ़ चुके हैं कि स्टार्टर क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर जो है और 3 पॉइंट स्टार्टर, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, मां सिवाय इसके कि ये जो होल्डिंग कॉइल है इसको फील्ड से अलग-अलग करके उसके लिए एक अलग टर्मिनल जो है वो बनाया गया, जिसको 4 पॉइंट कहते हैं। यानी पॉइंट जो थे वो टर्मिनल जो थे वो 3 के बजाय 4 हो गए। इस वक्त डायग्राम के मुताबिक आप देख रहे हैं कि एक स्टार्टर है 4 पॉइंट, उसके ये 4 पॉइंट्स लीवर, स्पाइरल स्प्रिंग, स्टार्टिंग रेजिस्टर, होल्डिंग कॉइल, और ये रेजिस्टर फॉर प्रोटेक्टिंग होल्डिंग कॉइल, यानी होल्डिंग कॉइल को महफूज करने के लिए रेजिस्टर, और इनके 4 टर्मिनल के साथ आप देख रहे हैं कि कंपाउंड मोटर जो है वो जुड़ा हुआ है। ए यानी आर्मेचर के साथ आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है। एफ के साथ फील्ड रियोस्टेट और शंट फील्ड जो है वो सीरीज में जुड़ी गई है, और इन सब को ये कॉमन यानी टर्मिनल के साथ डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। डियर स्टूडेंट, स्टार्टर का काम कुछ इस तरह है कि जब हम मेन स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई जो है इस एल टर्मिनल पर आ जाती है, और स्पाइरल स्प्रिंग के जरिए और लीवर के जरिए यहां तक आती है, जो कि हमारा ऑफ पॉइंट है। जब हम लीवर को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो अगले स्टेप पर यानी ऑन पॉइंट पर ये टर्मिनल 1 पर जो है वो टच करता है, जहां से 2 रास्ते बनते हैं करंट के। एक ये रास्ता जो रेजिस्टर को बाईपास करता हुआ इस होल्डिंग कॉइल में आया हुआ है, और होल्डिंग कॉइल ये दूसरे साइड उसको न्यूट्रल के साथ जोड़ा गया है, और दूसरा रास्ता इस स्टार्टिंग रेजिस्टर जो कि स्टेप वाइज तकरीबन 6 स्टेप्स पे बना हुआ स्टार्टर है, उसके जरिए सीरीज फील्ड और ये आर्मेचर जो है वो इस रेजिस्टर को सीरीज के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो जिस तरह हम बता चुके हैं कि करंट एक बाईपास रास्ता होल्डिंग कॉइल से होता हुआ फील्ड में और होल्डिंग कॉइल को, और दूसरा आर्मेचर और सीरीज फील्ड से होता हुआ सर्किट कंप्लीट करता है। इस तरह चूंकि एक बड़ी मोटर है और सीरीज फील्ड चूंकि मोटे तार के कम चक्कर होते हैं, उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है और आर्मेचर की रेजिस्टेंस भी कम है, लिहाजा उसको हमने स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ा हुआ है। शंट फील्ड को बराह रास्त और होल्डिंग कॉइल को भी बराह रास्त सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है, लिहाजा ये सारी की सारी रेजिस्टेंस
सीरीज फील्ड और आर्मेचर के रास्ते में आ जाती है और इस तरह ये कम रेजिस्टेंस वाले दो फील्ड जो है वो ज्यादा करंट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और ये रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को ड्रॉप करके करंट को कम कर देता है और मोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और चूंकि उसको एक हैवी करंट टॉर्च चाहिए रनिंग हालत में आने के लिए, लिहाजा उस एक्सिस करंट को यानी उस ज्यादा करंट जो वो लेगा लाइन से उससे भी उसको महफूज बनाया जाता है। अगला रास्ता जो रजिस्टर से बाईपास होता हुआ होल्डिंग कॉइल फील्ड में आता है, उसकी वजह से ये दोनों बराह रास्त जुड़ जाते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाती है। अगले स्टेप में हम वन से टू पर जाते हैं, तो ये वन और टू के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट से हट जाती है और करंट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप थोड़े से कम हो जाते हैं, करंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पर पहुंचते पहुंचते ये रेजिस्टेंस बारी बारी सर्किट से अलायदा होती है और जो सीरीज फील्ड है और आर्मेचर है ये बराह रास्त जुड़ना शुरू हो जाता है, हत्ता के छह नंबर टर्मिनल पर पहुंच के ये सारी की सारी रेजिस्टेंस इस आर्मेचर के और सीरीज फील्ड के रास्ते से हट जाती है और ये होल्डिंग कॉइल चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है या बनी हुई होती है, लिहाजा ये जो लीवर के साथ सॉफ्ट आयरन पीस है ये इसको होल्ड कर जाती है और इसकी वजह से ये जो स्टार्टर है ये मोटर को चलाती रहती है। डियर स्टूडेंट, यहां से तो रेजिस्टेंस हटती जाती है लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये बाद में फील्ड के रास्ते में आ जाती है। स्पीड और फ्लक्स का जो रास्ता है या जो ताल्लुक है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब फ्लक्स कम होता है तो स्पीड ज्यादा और जब फ्लक्स ज्यादा होता है तो स्पीड कम होता है। लिहाजा जब जूझू ये बढ़ती हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होता है, जिसकी वजह से फील्ड कमजोर होता है, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो बढ़ती है और मोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी रफ्तार पर जो है वो आ जाती है। ये चौथा पॉइंट जो इसमें इजाफा किया गया है वो सिर्फ थ्री पॉइंट में इस इजाफे की वजह से इसको फोर पॉइंट कहते हैं और वो ये इजाफा है कि ये जो होल्डिंग कॉइल है उसको अलग-अलग किया गया है। ये एक नुक्स डियर स्टूडेंट मोटर को चलाते हुए आता है कि जब मोटर स्टार्टिंग करंट से रनिंग पर आती है तो स्टार्टिंग करंट कम हो जा जो रनिंग करंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ये चौथा पॉइंट ना हो तो ये होल्डिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शुरू में ज्यादा और बाद में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसकी ताकत जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है और चलते चलते जो लीवर होता है वो वापस आ जाता है और मोटर बंद हो जाती है। इस खामी को दूर करने के लिए भी ये चौथा पॉइंट बनाया जाता है ताकि ये एक अलहदा सर्किट बना हुआ हो और इसके करंट के साथ इसका कोई ताल्लुक ना हो और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक ही हालत में रहे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हमने फोर पॉइंट स्टार्टर को देखा और उसका तरीकाकार जो है वो हमने समझने की कोशिश की। वस्सलाम।